आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 में आए मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। ये है सीबीएसई का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। इसमें अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फीयर एंड। तो एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसका जो एंड है वो हेमिस्फीयर है। इस तरीके का ये कोई सॉलिड है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, इसका जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो आपको डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 7/2 यानी 3.5। ठीक है, तो जो रेडियस यहाँ पे होगी वही रेडियस क्या होगी यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3.5 चला गया और यहाँ से 3.5 निकल गया, मतलब माइनस कर दिया अपन ने। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स, खाली सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट हो गई 20 - 7 13। तो 13 आ गई इसकी हाइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। आगे बात समझ में। इसका जब आप टोटल करोगे तो आपके टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे एच जो है वो हाइट है सिलेंडर की, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर है, 2 है, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो इसमें से पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो। देखो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ बचा एच प्लस 2 × 4 = 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बच गया यहाँ पे आर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 22/7 दे रखी है, इंटू आर कितना दे रखा है, आर आपको दे रखा है 3.5 × 3.5 दे रखा है, मतलब अपने निकाल लिया आर, या निकाल के बताना था आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, एच कितना निकाला, ये एच है सिलेंडर की, एच सिलेंडर का एच है, सिलेंडर का एच कितना है 13, तो 13 प्लस 4/3 इंटू आर कितना दे रखा है 3.5। ओके, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 7 से पॉइंट हटाओ या 10 लगाओ, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 11 टाइम। ठीक है, 11 × 3.5, तो ये हो गया आपके पास 38.5। ओके, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13 + 4 = इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, 4.66। ओके, फिर उसके बाद यहाँ आप 38.5 × ये हो गया आपके पास 17.66, और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 679.691 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, और ये अप्रोक्स आएगा, हो सकता है आपके कैलकुलेशन में मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो ये अप्रोक्स में आता है स्टूडेंट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया टोटल, और सीबीएसई ने इसको डिवाइड किया होगा ये बताने के आपको, हाफ मार्क्स पुट करने के, हाफ मार्क्स वैल्यू निकालने के, यहाँ तक सॉल्व करने के आपको 1 मार्क, और ये आंसर बताने के आपको 1 मार्क। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यूज निकालने के हाफ मार्क्स और ये बनाने के, डायग्राम बनाने के हाफ मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो इस तरह से सीबीएसई ने इसको डिवाइड किया होगा। आगे बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन मुझसे कमेंट के अंदर। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका जो बचा हुआ है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर स्टूडेंट्स आपसे पूछा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है एबीसी जिसकी हर एक साइड 5 हो। रफली डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करना था आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी बीसी जो कि 5 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। इस पर यहाँ से इस बी से आपको आर्क लगाना है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे, और फिर सी से आपको आर्क लगाना था 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये जो लाइन ड्रॉ होती ये क्या कितनी होती, 5 और 5 सेंटीमीटर होती। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल इसकी 2/3 वाला बनाना है, तो 2/3 जो है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ट्राइंगल इससे छोटा बनेगा और इसके अंदर बनेगा, ठीक है। अगर ये 3/2 होता तो वो ग्रेटर देन 1 होता, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि ट्राइंगल बाहर बनेगा और बड़ा बनेगा। ये नहीं है आपके, ये दे रखा है बोर्ड के पेपर में 2/3, तो वो छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, बी पर पहले एक्यूट एंगल बना देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास B1, B2, B3, सेम डिस्टेंस लेनी है यहाँ पे B2 और B3 सेम डिस्टेंस लेनी है। यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके इस पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जितना यहाँ से कंपास खोल के थोड़ा सा, और यहाँ से यहाँ तक ऐसा एक आर्क बनाना है, जितना ये कंपास है उतना ही आर्क यहाँ से ड्रॉ करना है आपको। ये ड्रॉ कर दिया, और जितना ये आर्क है उतना ही आपको यहाँ पे कट करना है, ठीक है। उतना ही आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कट करना है। जितना ये आर्क है ना उतना मेजर करके और यहाँ पे इस वाले आर्क पे कट कर देना है। तो कट करने पर सपोज करो ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है। ये वाली लाइन आने के बाद, ये वाली लाइन आने के बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इस आर्क को मेजर करेंगे इसको, फिर जितना ये आर्क आ रहा है ना उतना यहाँ से ऐसे आर्क बना के और एक कट यहाँ कर देंगे। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये अपने आप ही क्या बनेगा, इसका 2/3 बनेगा। आगे बात समझे स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे दे दिया इतने हैवी वेटेज में, ठीक है। तो बस यही करना था इसके अंदर। आपको स्टेप्स लिख के आए हो आप इसके, तो ठीक है, स्टेप्स नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो पहले ये देख लो आप, इसको समझ लो अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपसे क्या कह रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, सर्कल के अंदर सर्कल, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल कहता है। एक की रेडियस 2 है, तो सपोज करो ये एक सर्कल बना रहा हूं मैं, इसकी रेडियस कितनी है 2 है, और दूसरे की रेडियस है 5, ठीक है। तो दूसरे की रेडियस 5 रेडियस वाला मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये दोनों का सेंटर सेम होगा O, O पॉइंट। अब क्या कह रहा है ये, टेक ए पी पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, टेक ए पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द स्मॉलर सर्किल एंड मेजर पी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ले लेना है पी पॉइंट कह रहा है ना, पी पॉइंट कह रहा है, ठीक है। और आपको टेंजेंट बनाना है स्मॉलर वन पे, किसको बनाना है, छोटे वाले पे टेंजेंट बनाना है। तो छोटे वाले पे टेंजेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इसको हाफ से ज़्यादा खोलेंगे। हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद एक कट यहाँ करेंगे और दूसरा कट यहाँ करेंगे, फिर इधर से एक कट यहाँ करोगे, एक कट यहाँ करोगे, यानी क्या करोगे आप, बाइसेक्ट करोगे इसको। बाइसेक्ट करने पर हो सकता है आपकी लाइन इधर आ रही हो, इधर आ रही हो, मैं रफली फिगर बना रहा हूँ इसलिए ऐसा आपके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया, जो ये पॉइंट आया है इस पॉइंट को एम नाम दे दो। ओके, इस पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया, और यहाँ से एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, तो ये सर्किल कुछ इस तरह बनेगा स्टूडेंट। इस वाले एम पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सर्किल ड्रॉ हुआ वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है। ये पॉइंट पी यहाँ कहलाएगा फिर। ओके, तो ये जो सर्किल जो ड्रॉ हुआ है, जहाँ से ये पॉइंट मीट हो रहा है इसे आप दे दो ए, और जहाँ पे ये सर्किल दूसरा वाला कट कर रहा है उसे कह दो बी, और उससे आप बना दो एक टेंजेंट, ये और ये, ठीक है। तो टेंजेंट जो होगा
वो ऐसे बनेगा, फिर इसको जो भी आपकी लेंथ आ रही है उसको आपको मेजर करके आपको वहाँ बता देना है। ये हो गया आपकी 29 के फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया, सेकंड पार्ट भी करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और 11th में जो पहुँच गए हैं या मतलब जो पेपर होते हैं, जो 11th का जब सेशन स्टार्ट होगा आपका, तो उसकी वीडियोज़ मैं स्टार्ट कर दूंगा। जैसे जैसे आपका सेशन स्टार्ट होता जाएगा हम 11th पढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। Thank you.